अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.3 व्हिच इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक राउंडिंग ऑफ। तो राउंड ऑफ करने में हर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं बहुत सिंपल मेथड हर किसी को एक्सप्लेन करती हूँ, तो एक बार समझ लेते हैं। जैसे अगर आपको इस तरीके से नहीं कहा जाएगा कि बस आपको राउंड ऑफ करना है, क्वेश्चंस किस तरीके के राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट थाउजेंड, तो आपको मान लीजिए कहा गया है नियरेस्ट टेंस या फिर नियरेस्ट हंड्रेड्स या और कोई भी, बस मैं दो लेके चल रही हूँ जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जो भी नियरेस्ट निकालने को कहा जाए उससे जस्ट एक पहले वाली वैल्यू आपको देखनी है। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल इन बोथ द केसेस 345। ओके, नियरेस्ट टेंस का है वंस टेंस, उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू को आप कर लें अंडरलाइन। क्या नियरेस्ट हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड्स, यानी मुझे हंड्रेड से पहले वाली वैल्यू करनी है। टेंस वंस टेंस पहले, हंड्रेड्स का था वंस टेंस हंड्रेड, उससे पहले फोर। बस ये काम कर लिया तो सब आसान हो गया। अब क्या करना है, जितने पोर्शन को अंडरलाइन किया है वो उसकी जगह ज़ीरो लिखेंगे, और उससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसकी जगह भी। लेकिन यहाँ पे तो कोई वैल्यू है नहीं, तो सिर्फ एक ही आया फाइव। अब ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि बराबर वाली वैल्यू में हमें प्लस वन करना है या नहीं करना, यही होता है राउंड ऑफ। तो अगर ये वैल्यू फाइव है या फाइव से बड़ी है, या तो फाइव हो या फिर फाइव से बड़ी हो, दोनों ही कंडीशन में हम वैल्यू बराबर वाले में बढ़ाते हैं। तो ये फाइव है तो हमने क्या किया, फोर प्लस वन फाइव, बाकी एज इट इज़ रहेगा, बस बराबर वाली में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसको और समझते हैं। मैंने अंडरलाइन तो कर लिया था, मुझे क्या करना था, सबसे पहले मुझे ज़ीरो लगाना है, यहाँ से इसकी जगह ज़ीरो, इससे पहले जितनी भी वैल्यू उनकी जगह भी ज़ीरो, तो एक ही थी ज़ीरो। ठीक है, जो अंडरलाइन किया है वहीं से स्टार्ट करना है ज़ीरो लगाना, उसी को ही देखना है कि क्या ये वैल्यू फाइव है, नहीं है। क्या ये वैल्यू फाइव से बड़ी है, नहीं है, तो मुझे उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है। डिफरेंस देख रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहता है सबको। अगर आपने ये मेथड फॉलो कर लिया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। ओके, बिना टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन देखते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर वन में कह रहे हैं कि आपको एस्टिमेट करना है हर एक को नियरेस्ट टेंस में। ठीक है, नियरेस्ट टेंस पहले हम इसे निकालेंगे, उसके बाद इसे हम ऐड करेंगे। 67 लिखा यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ मैंने 40 लिखा। देन नियरेस्ट टेंस कहा है वंस टेंस, इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू, वंस टेंस इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू, जितना भी कहें उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू, उनकी जगह तो हमने ज़ीरो लगा दी और इससे पहले कोई वैल्यू थी नहीं, तो एक ही ज़ीरो आया। यहाँ पे भी ऐसे ही कर लिया, ज़ीरो था ज़ीरो ही रह गया। क्या ये वैल्यू अंडरलाइन वैल्यू फाइव से बड़ी है या फाइव है, फाइव से बड़ी है, इसका मतलब सिक्स प्लस वन एक हमने बढ़ा दिया। क्या ये वैल्यू फाइव है, नहीं है। क्या ये वैल्यू फाइव से बड़ी है, नहीं है, तो ये फोर ही रहा। अब मुझे क्या करना है, दोनों का प्लस निकालना है, 7 + 4 कितना हो गया, 11। दिस इज़ योर आंसर। बहुत इजी है ये, बस आप अंडरलाइन करना सीख गए ना तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर वन बी पार्ट इज़ योर होमवर्क, ये आप ट्राई करेंगे, सो सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी। 78 + 43 नियरेस्ट टेंस ही करना है, ज़रूर ट्राई करें। ओके, चलिए सी पार्ट करते हैं। ये हमारा सी पार्ट, क्या किया वही 881 लिख लिया पहले, 728 लिख लिया पहले, नियरेस्ट टेंस वाला ही है ये, वंस टेंस जस्ट पहले, वंस टेंस उससे पहले। ठीक है, इनकी जगह हमने क्या लगा दिया, ज़ीरो, इनसे पहले कोई वैल्यूज़ नहीं है तो उनकी जगह ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यूज़ ही नहीं है। अब हमें अंडरलाइन वाली वैल्यू चेक करनी है, क्या ये फाइव है, नहीं है, क्या ये फाइव से बड़ी है, नहीं है, तो यानी ये एज इट इज़ आ जाएगा, और उससे पहले वाले वैल्यूज़ तो एज इट इज़ आएंगे। बस हमें बराबर वाले में बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना ये डिसाइड करना है, बाकी सब एज इट इज़। क्या ये वैल्यू फाइव है, नहीं है, क्या ये वैल्यू फाइव से बड़ी है, हाँ है, तो हम इसके बराबर वाले में एक बढ़ा देंगे, 2 + 1 कितना हुआ, 3, 7 एज इट इज़ रहा। सिर्फ बराबर वाले में इंक्रीमेंट होना है, बार बार बता रही हूँ मैं, याद रखिए। अब क्या कर देंगे ना हम, प्लस 8 + 3 = 11, 1 कैरी गया, 8 + 1 = 9, 9 + 1 = 16 हो गया। बहुत ईजी है, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक।
बाकी हम नेक्स्ट पार्ट नहीं करेंगे, हम दो क्वेश्चन हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में सम ही करना है हमें, लेकिन बस कह दिया है नियरेस्ट टेंस की जगह हमें क्या देखना है, नियरेस्ट हंड्रेड. तो सबसे पहले हमने क्या किया, 367 लिख लिया, 564 लिख लिया. नियरेस्ट हंड्रेड का है, क्या करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड्स, उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू. वंस टेंस हंड्रेड्स, उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू. ईजी, अब तो क्लियर हो गया होगा सबको ये. अब हमें ज़ीरो लगाना शुरू करना है जहाँ से अंडरलाइन है, ज़ीरो. यहाँ पे भी एक डिजिट और है, ज़ीरो. इससे पहले हमारे पास डिजिट्स नहीं थे इसलिए हम और लगा नहीं रहे, इसकी जगह क्या लगाया, ज़ीरो. इससे पहले अभी एक और है, ज़ीरो. इधर ज़ीरो लगाते जाएंगे, इधर हम चेक करेंगे क्या ये वैल्यू फाइव है, नहीं है. क्या ये फाइव से बड़ी है, हाँ है. तो हमने थ्री में ऐड कर दिया वन. जहाँ फाइव मिले, फाइव से बड़ी मिले, वहाँ फ़ौरन ऐड कर दिए. क्या ये वैल्यू फाइव है, नहीं है. क्या ये फाइव से बड़ी है, बिल्कुल है. तो हमने फाइव में ऐड करा, कितना हो गया, सिक्स. सिक्स प्लस फोर इज़ टेन. पहले यहाँ के ज़ीरो उतार लेंगे, सिक्स प्लस फोर इज़ टेन, हो गया. पॉज द वीडियो हियर एंड नोट इट डाउन. ये हमारा सेकंड पार्ट, सेम प्रोसेस है हमारे पास. हम सबसे पहले क्या करेंगे, 872 हमने यहाँ लिख दिया. फिर हम उतार लेंगे जल्दी से 569. नियरेस्ट हंड्रेड कहा गया है, वंस टेंस हंड्रेड्स, उससे पहले वाली वैल्यू. वंस टेंस हंड्रेड, उससे पहले वाली वैल्यू. बार बार रिपीट कर रही हूँ, भूलना नहीं. जहाँ अंडरलाइन है वहाँ से ज़ीरो लगाना स्टार्ट करना है, और जब तक डिजिट्स ना ख़त्म हो जाए. सेवन की जगह ज़ीरो लगाया, टू की जगह ज़ीरो लगाया, सिक्स की जगह ज़ीरो लगाया, नाइन की जगह ज़ीरो लगाया. अब नाइन से पहले भी कोई डिजिट होता तो हम वहाँ पर भी ज़ीरो लगाते. जितने डिजिट्स होंगे अंडरलाइन वाले से लेकर के इधर साइड उल्टा जाएंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ हम ज़ीरो लगाते चलेंगे. अब हमने ज़ीरो तो लगा लिया, अब हमें देखना है क्या ये वैल्यू फाइव है, नहीं है. क्या ये फाइव से बड़ी है, बिल्कुल है. तो हमने क्या कर दिया, एट प्लस वन नाइन. क्या ये वैल्यू फाइव है, नहीं. फाइव से बड़ी है, बिल्कुल है. तो फाइव प्लस वन क्या कर दिया, सिक्स. अब हमें ऐड कर देना है, तो ये कितना हो गया, 1500. पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, दो पार्टी हो गया. अब टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थ्री, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करेंगे. जिसको भी डाउट हो वो फ़ौरन पूछे. ये पार्ट ज़रूर कीजिएगा, होमवर्क है. ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.